स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्या है हमारा सेकंड असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट आप लोग कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड असाइनमेंट है। तो देखिए इसको कैसे करना है। जैसे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड सर्कल द वोवल्स फॉर ईच। ओके, जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, डॉग दिख रहा है। तो डॉग की स्पेलिंग क्या होती है, DOG, डॉग। तो डॉग की स्पेलिंग में कौन सा वोवल्स आ रहा है, DO, कौन सा वोवल्स आ रहा है, O। तो आपको O पर सर्कल करना है। ओके, आपको O पर सर्कल करना है। इसी तरह से ये क्या है, पिन, PIN, पिन। तो इसमें I वोवल्स आ रहा है, तो आपको I पर सर्कल करना है। ओके, उसके बाद ये क्या है, NET, नेट। तो ई वोवल्स आ रहा है इसमें, तो हमको ई पर सर्कल करना है। ओके, उसके बाद ये क्या है, CAP, कैप। तो आपको ए पर सर्कल करना है। उसके बाद ये देखिए SUN, सन। तो यू दिख रहा है, इस पर आपको सर्कल करना है। ओके, उसके बाद ये क्या है, BIN, पिन। तो आपको आई पर सर्कल करना है। ओके, उसके बाद ये देखिए, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द ईच वर्ड ऑन द लेफ्ट टू द राइमिंग वर्ड ऑन द राइट। जैसे ये BAG, बैग लिखा है, तो आपको देखना है इसका राइमिंग वर्ड कौन सा है। तो ये रहा TAG, टैग। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके मिलाना है। ओके, YUM, यम का क्या होगा, MUM, मम। BEG, बैग का होगा KEG, कैग। FIN, फिन। TIN, टिन। FOG, फॉग का होगा DOG, डॉग। ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपको मैच करना है। ओके, उसके बाद ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, सर्कल द वर्ड दैट नेम्स द पिक्चर। ये क्या है, पॉट। तो आपको इन तीनों में स्पेलिंग देखना है कि पॉट की स्पेलिंग कौन सी है, उस पर सर्कल करना है। POT, पॉट, ये लिखा है ना, तो आपको इस पर सर्कल करना है। ओके, उसके बाद ये क्या है, गम। गम की स्पेलिंग क्या होती है, GUM, गम। तो ये लिखा है गम, इस पर सर्कल करना। ये क्या है, फॉक्स, FOX, फॉक्स पे सर्कल करेंगे। पेन, PEN, पेन पे सर्कल। जिप, ये जिप लिखा है, इस पर सर्कल करना। और ये क्या लिखा है, BUG, बग, इस पर सर्कल करना। ओके बच्चों, उसके बाद ये देखिए, मार्क ए फॉर द शोन वर्ड्स इन द गिवन ग्रिड। ओके, तो आपको ये जो ऐसे बॉक्स बनाया ना, ऐसे ही बॉक्स बनाना है। जो ये दिख रहा है आपको, इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें आपको सर्च करके उस पर, जैसे ये क्या लिखा है, BAT, बैट। तो इसमें आपको सर्च करना है BAT, बैट कहाँ लिखा है। जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है BAT, बैट। तो आपको इस तरह का ये बॉक्स है ना, इस तरह का बॉक्स यहाँ बनाना है। कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करके इस तरह से बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, BAT, बैट। MOP, मॉप, कहाँ लिखा है, ये रहा है MOP, मॉप। DAM, डैम, कहाँ लिखा है, DAM, डैम। ओके, उसी तरह से आप इसको भी कीजिएगा। पिग कहाँ लिखा है, गन, कैन, ये सर्च करके उसमें बॉक्स बनाइएगा। फिर देखिए, लोकेट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। CAT, कैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, HAT, हैट। GUN, गन। BUN, बर्न। POT, पॉट। फिर उसके बाद PIN, पिन। BIN, बिन। TEN, टेन। PEN, पेन। इसी तरह से राइमिंग वर्ड लिखेंगे। फिर देखिए, मैच द ऑब्जेक्ट दैट गो टुगेदर। आपको उस ऑब्जेक्ट से मैच करना है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये क्या दिख रही है आपको, लीफ मीन्स पत्ती दिखाई दे रही है। पत्ती कहाँ होती है इसमें, देखिए, क्या फ्रिज में पत्ती होती है, की, फॉक, बॉल, फ्लावर, फ्लावर में होती है। तो आप इस लीफ को इस फ्लावर से मैच करेंगे। बैट,
वॉल। आइस कहाँ होती है फ्रिज में, तो इसको इससे मैच कीजिएगा। लॉक की, ताले से ताला और चाबी होते हैं ना। नाइफ एंड फॉक, इन दोनों को मैच कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट द सेकेंड शेप टू लुक लाइक अ फर्स्ट वन। ओके, आपको जैसे ये दिख रहा है ना, आपको पहले तो इसको लाइन ऐसे ऐसे डॉट ज्वाइन करना है, फिर ये नीचे जो बना हुआ है ऐसे कोन दिखाई दे रहा है वो यहाँ बनाना है। जैसा यहाँ शेप है सेम आपको इधर बनाना है। जो भी शेप मिसिंग है वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर ये रेक्टेंगल मिसिंग है, ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल दोनों शेप मिसिंग है, तो आपको इसमें ड्रॉ करना है। ओके, जो शेप भी इस पिक्चर में, इस वाली साइड की पिक्चर में मिसिंग है वो शेप आपको बनाना है। उसके बाद देखिए, गिव द प्यूरल्स फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स बाय एडिंग एस इन देम। मैंने आपके प्यूरल्स पढ़ाए थे वही हैं ये। जैसे स्टार लिखा हुआ है, इसको प्यूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी ए आर एस, एस लगाना है आपको। ये लिखा हुआ है ना, एस लगा के प्यूरल्स बनाना है। सभी को आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद देखिए, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। चित्र को उनके नाम से मिलाना है। जैसे ये क्या दिख रहा है, मोर, तो इसमें आपको पढ़ना है कहाँ लिखा है मोर, ये रहा, तो इस चित्र को उनके नाम से मिलाना है। उसी तरह से केला कहाँ लिखा है, केला, ये रहा, आपको इसको भी इससे मिलाना है। उसके बाद देखिए, अक्षरों व मात्राओं को जोड़कर बनाइए। हमने ये सीखे थे लिखना, कैसे लिखेंगे, क में ऊ की मात्रा कु, शल बन गया। इसी तरह से आप भी लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नाम पर सर्कल बनाइए। जैसे ये क्या दिख रहा है, पेड़, तो इसमें आपको पढ़ना है ये क्या लिखा है, भेड़, पेड़, शेर, तो क्या लिखा है, पेड़, तो आप पेड़ पर सर्कल करेंगे। ओके, अब ये क्या दिख रहा है, मोटा, तो इसको पढ़ेंगे लोटा, कटोरा, और ये लिखा है मोटा, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। आपको चित्र देखना है, अक्षर को पढ़ना है, जो सही अक्षर होगा उस पर आप गोला करेंगे। ओके, इसी तरह से इस पूरे पेज को कंप्लीट करना। अब ये क्या लिखा हुआ है, समान ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींचकर एक दूसरे से मिलाइए। जैसे हमने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़े थे उसी तरह से ये है। जैसे ये क्या लिखा है, बुआ, तो बुआ जैसा मिलता जुलता शब्द ये लिखा है दुआ, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। केला, मेला, लोटा, खोटा, भूखा, सूखा, लौकी, चौकी, पैसा, कैसा, इसी तरह से मिलते जुलते शब्दों से आपको मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या है, चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए। चित्र को देखना है और जो नीचे अधूरा शब्द लिखा है उसको पूरा करना है। जैसे ये क्या दिख रहा है, चूहा, तो इसमें क्या मिसिंग है, चा में ऊ की मात्रा चू और हा, तो लिखा हुआ है, तो जो भी अक्षर मिसिंग है वो आपको लिखना है और इस पेज को कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद ये देखिए, एड द फॉलोइंग, हम एडिशन भी करना सीख चुके हैं। ये कितना लिखा है, फोर, पहले आप इधर फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर यहाँ पे टू लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्स। ओके, इसी तरह से आपको इस पेज को भी कंप्लीट करना है। फिर ये देखिए क्या है, फाइंड द वर्ड्स द एंड टिक राइट। ओके, अब यहाँ जो नेम दिए हैं, जैसे ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर लिखे हुए हैं, आपको ये नीचे जो दिखाना है इसमें आपको सर्च करना है ये स्पेलिंग कहाँ है। जैसे ये ग्रैंडफादर दिख रहा है, इस पे ये ऐसे ब्लैक लाइन बनी हुई है, उसी तरह से ये जो ऊपर स्पेलिंग है वो आपको सर्च करना है और इसी तरह से ऐसे बॉक्स बनाकर पैक करना है। ओके बच्चों, इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है,
ग्रैंड मदर। आप इसमें ये देखो, ये दिख रहा है मुझे GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर। इस पर आप ऐसे बॉक्स बना के कवर करेंगे जैसे ये करा है। इसी तरह से आपको ये सारे स्पेलिंग सर्च करने हैं। ओके बच्चों, उसके बाद ये देखिए, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। ये जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी आपको स्पेलिंग लिखना है। हम 100 तक स्पेलिंग लर्न कर चुके हैं, तो ये कौन सा नंबर है? 12। तो यहाँ आपको 12 की स्पेलिंग लिखना है। 9 है तो 9 की, 16, 7 और 20 की स्पेलिंग लिखिएगा आप। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ, मैच द पिक्चर विद देयर करेक्ट वेदर सिंबल। ओके, तो आपको देखना है पिक्चर और उसके करेक्ट सिंबल से मैच करना है। तो जैसे सन, हम गॉगल कब लगाते हैं? जब बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसको इससे मैच करेंगे। ओके, जैसे ये दिखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कब? जब बारिश होती है, तो इसको इससे मैच करेंगे। ओके, अब ये देखो क्या दिखा, स्वेटर, स्वेटर कब पहनते हैं? जब ठंड पड़ती है, यानी इससे आप लोग उसको मैच करेंगे। इसी तरह से करेक्ट सिंबल से आपको ये सारे पिक्चर मैच करना है। अब उसके बाद देखिए, लेवल द पार्ट्स ऑफ द हाउस यूज द वर्ड इन द क्लाउड। ओके, अब आपको ये हाउस दिख रहा है, आपको इस हाउस को देखना है और ये बताना है। जैसे ये क्या है, कौन सा रूम होता है जहाँ हम सोते हैं? बेडरूम। तो ये लिखा है बेडरूम, आपको यहाँ बेडरूम लिखना है। ये क्या है, नहाते जहाँ? बाथरूम। यहाँ आपको बाथरूम लिखना है। ये क्या है, किचन, यहाँ आपको किचन लिखना है। और जहाँ बैठते हैं सब लोग, वो होता है लिविंग रूम, तो यहाँ आपको लिविंग रूम लिखना है। तो ये घर बना हुआ है, घर में कौन कौन से रूम होते हैं वो नेम आपको लिखना है। ओके बच्चों, अब ये देखिए, हेलो आई एम राहुल एंड आई एम एट नंबर 6, लुक एट माई फैमिली एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, तो देखिए ये बोल रहा है कि मैं राहुल हूँ, मैं नंबर 6 पर हूँ और जो जहाँ नंबर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे ये लिख रहा है, मेंबर फर्स्ट इज माय, फर्स्ट नंबर पर क्या दिख रहा है? ग्रैंडफादर। तो आपको यहाँ ग्रैंडफादर लिखना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर लिखना है। उसके बाद नंबर 2 पर क्या है? ग्रैंडमदर। तो आपको यहाँ पे ग्रैंडमदर लिखना है। उसी तरह से इसमें नंबर देखने हैं, कौन से नंबर पर कौन है और उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए, फाइंड द मैचिंग हेड एंड टेल, कट देम एंड पेस्ट एट द करेक्ट प्लेस। ओके, तो ये देखिए, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ये हेड, कौन सा सही हेड है जो इधर लगेगा, और इसमें से देखना है ये 3 में से कौन सी टेल है जो इधर लगेगी। जो भी आपको सही दिखाई दे रही है पिक्चर, वो आपको कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। हेड यहाँ पेस्ट करना है और टेल यहाँ पेस्ट करना है। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए, ये काउंट द शेप एंड राइट देयर नंबर, ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें आपको शेप दिए हुए हैं, कौन कौन से? सर्कल, ट्राइंगल, डायमंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ओवल। इस पिक्चर में ये सारे शेप दिए हुए हैं, उनको आपको काउंट करना है कि सर्कल कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं, डायमंड कितने हैं, जो शेप जितने हैं वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद ये देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आपका जो नेम है वो लिखना है। माय नेम इज़, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, आप बॉय हैं या गर्ल वो लिखना है। आई एम अ बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। आई एम, अपनी एज यहाँ लिखिएगा। उसके बाद इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन क्लास, अपनी क्लास लिखिएगा यहाँ। उसके बाद व्हाट इज़ योर फादर नेम, माय फादर नेम इज़, आपके पापा का नाम लिखिएगा यहाँ। व्हाट इज़ योर मदर नेम, माय मदर नेम इज़, अपनी मम्मी का नाम यहाँ लिखिएगा। उसके बाद हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव,
आई हैव कितने भाई हैं आपके ब्रदर वो यहाँ लिखिएगा अंकल एंड सिस्टर आपकी सिस्टर कितनी है वो यहाँ आपको लिखना है ओके बच्चों इसी तरह से ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है थैंक यू